जनाबी वाला पहले आप वीडियो देख लें, फिर उसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, जिसे अहले सुन्नत भाइयों ने भी बहुत ज़्यादा शेयर किया हुआ था। ये ऐलान कर लो। कौन ये है सामने के फोन का? क्यों क्यों वजह भाई? मस्जिद हमारी नहीं करना। नहीं मस्जिद किसकी है? आप लड़ाई करने आए हो? लड़ाई नहीं करने आए। आप पहले बता दिए कि नहीं करना किसी नहीं, और किस वजह मतलब क्या रीजन? बस नहीं, हमारा मसलक नहीं मिलता, नहीं करना। नहीं, क्या हमारा क्या मसलक है? आप कह ले तशी हमारा ले सुनना थे। ये क्या कह रहे हैं आप? बहरहाल जिन अहले सुन्नत भाइयों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, हम तो उसका बड़ा उनका शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह ताला उनको जाए खैर दे। लेकिन हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है, कोई ऐसा नया काम नहीं है हमारे लिए। 1400 साल से तशय्यो, कल भी मजलूम थे, आज भी मजलूम हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह ने हमें ज़ालिम नहीं किया और ना ज़ालिम पेशवा अता किए, बल्कि इस कौम को ज़ालिम पेशवा अता भी किए और आज भी वो जुल्म दिखा रहे हैं। बेशक अकल वालों के लिए इनके अंदर भी काफ़ी सारी निशानियाँ। बहरहाल इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम 14 साल रुकू की हालत में कैद रखा गया और बगदाद के पुल पर जनाजा पड़ा रहा। इन मुसलमानों ने जनाजे को कंधा तक देना जो है गवारा ना किया। वाक़या करबला के अंदर मौला हुसैन के, अब मैं वो कैसे बयान करूं, जश्न मुबारक के ऊपर घोड़े दौड़ा दिए गए और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे के ऊपर तीर बरसाए गए। इस उम्मत से क्या तवक्कु की जा सकती है जिनके पेशवाओं ने यह सब कुछ किया? तो हम इनसे कोई अच्छी तवक्कु नहीं कर सकते? हमारे लिए कोई नई बात नहीं, हमारे पेशवाओं के साथ इन्होंने, जिनके लिए अल्लाह ने इस दुनिया को खल किया, इस कायनात को खल किया, उनके साथ इन लोगों ने यह रवैया किया, तो हम इनसे तवक्कु रखेंगे ये हमारे साथ अच्छा सलूक करेंगे? जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि इनसे मुवद्दत और मोहब्बत रखना, मैं अहले बैत अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, उनसे हम तवक्को रखें जिन्होंने अहले बैत को बेदर्दी और बेरहमी से शहीद कर दिया। बाहर अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जिन अहले सुन्नत भाइयों ने इस चीज़ को हाईलाइट किया, लेकिन हमें इनसे कोई अच्छी तवक्को नहीं, हमें इनसे यही उम्मीद है, हमारे लिए कोई शौके बल या कोई नई बात नहीं है इसमें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक की तलाश और उस पर कायम रहने की, और हमारी सबसे बड़ी ताकत अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिवलायति अमीरुल मोमिनीन, तमाम तारीफें हैं उस परवरदिगार के लिए कि जिसने हमें अमीरुल मोमिनीन और उनके अहले बैत की विलायत से मुतमस्सिक रखा। हमारे जीने और बनने के लिए यही काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।